नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। बीजेपी की सूची में संजय यादव का नाम आते ही एक बार फिर से मुलायम खुर्मे में आपसी फूट राजनीतिक हलचल मच गई है। मुलायम सिंह यादव का परिवार बिखराव की ओर जा रहा है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की भतीजी संजय यादव को टिकट देकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी। बीजेपी ने सफाई कुनबे में बड़ी सेंध मार दी है। बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी, जिसमें मुलायम सिंह यादव की भतीजी को बीजेपी ने वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की सूची में संध्या यादव का नाम आते ही एक बार फिर से मुलायम कुनबे में आपसी फूट दिखाई दे रही। संध्या यादव मैनपुरी से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है। संध्या यादव SP संरक्षक मुलायम सिंह यादव की भतीजी और बदायूं की पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बड़ी बहन है। संध्या यादव को 2016 में SP ने टिकट देकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, लेकिन चाचा भतीजे के पारिवारिक झगड़े में वह राजनीति का शिकार हो गई। बताया जा रहा है सन 2017 के बीच संध्या यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान संध्या यादव के पति अनुजेश प्रताप सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अब बीजेपी ने संध्या यादव को टिकट देकर राजनीति में हलचलें तेज हो गई। कभी सत्ता के शिखर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सफाई परिवार में दरारें पड़ती नजर आ रही। पहले भाई भाई, फिर चाचा भतीजे के रिश्तों में खटास आई, तो अब मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव ने अपना अलग राजनीतिक रास्ता अपना लिया। संध्या यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्होंने घिरौर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन आपसी खींचातानी को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी अपने परिजनों रिश्तेदारों से ही लड़ना पड़ रहा है। दरअसल कभी मुलायम परिवार का राजनीति में डंका बजता था, लेकिन अब आपसी फूट में एक दूसरे के जीत में करने में जुटे हैं। कोई एक दूसरे को अपने आप से कम नहीं पड़ने दे रहा है। बीजेपी ने संध्या यादव को टिकट देकर सफाई कुनबे में एक बार फिर सेंध लगाकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।